हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। तो अभी दिन का टाइम है और बाकी मैं अभी घर पे हूँ। मैं और दादी हैं घर पे, और तो कोई भी नहीं है। मेरे सास जी खेत जा रहे हैं और मैं भी गई थी घास के लिए, तो मैं आ गई थी और उसके बाद नाश्ता करके। तो अभी दिन का टाइम है और अभी मेरी तैयारी है खाना बनाने की। तो बाकी ना मौसम, कल रात बहुत बारिश हुई है, तो कल रात की बारिश के बाद आज धूप लगी है। तो थोड़ी देर में मैं आपको मौसम भी दिखाऊंगी। तो बाकी अभी मेरा टाइम हो रहा है खाना बनाने का, तो दिन का खाना बनाते हैं और एक बार मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आ गई हूँ किचन में और अब खाना बनाते हैं। खाना तो मतलब चावल तो बन गए और अब बस जैसा बनाना है। और हरी सब्जी रखी है मैंने चूल्हे में, तो हरी सब्जी भी बनेगी लगभग। और अब जैसा बनाते हैं तो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रही हरी सब्जी, और ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी बनाई है क्योंकि आज हम तीन ही लोग हैं खाना खाने वाले, और इसलिए थोड़ी सी बनाई है। तो दोस्तों सब्जी तो बन गई, और सब्जी को अब इसमें निकालते हैं और इसी में फिर मैंने जैसा बनाना है। तो जल्दी से इसको निकालते हैं। तो ज्यादा तो नहीं, बस एक कटोरी है, और दिन के खाने में एक कटोरी भी काफी होती है। तो इसको अलग करते हैं। दोस्तों चलो अब जैसा बनाते हैं। तो ये है प्याज और टमाटर, इसका छौंक लगाने हैं, मुझे अच्छा लगता है ये। और ये रहा जैसा, तो अब इसको डालते हैं। तो दोस्तों खाना भी बन गया है, मतलब बनानी है अभी, बन रहा है मतलब। तो दोस्तों खाना खा के अभी शाम का टाइम है, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है चाय बनाने का। तो जल्दी से चाय बनाते हैं और दादी और ससुर जी को चाय देते हैं, और इसके साथ जलेबी भी है। तो मैं फीकी चाय बनाऊंगी, यानी कि चीनी नहीं डालूंगी, और जलेबी में मतलब जलेबी खाएंगे इसके साथ, तो ठीक लगता है मुझे भी ऐसा। तो चलो निकालते हैं।
तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और अभी मैं और मेरे सासू जी खेत आ रखे हैं, तो मैंने घास निकाला है और सासू जी ने गुड़ाई करी अभी तक, तो अब हमारी भी तैयारी हो गई है घर जाने की। टाइम भी हो ही गया, 6:30 हो गए हैं, अब चलते हैं घर। जरा हाय कर दे अमल। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और आगे खाना पीना बन गया, मतलब अभी आ रही हूँ मैं बना के। देख के लग रहा होगा आपको पसीना पसीना सा, तो इतनी गर्मी हो रही ना, अगर एक दिन भी बारिश नहीं आ रही तो हालत ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और आगे ना मैं तो अपने लिए जूस लाई थी बना के, सब लोग चाय पीते हैं और मैं जूस पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिर गर्मी तो वैसे धूप तो है नहीं आजकल, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो उमस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो मैं जूस पी रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ, इसका कलर कुछ अलग ही लग रहा है, तो ये बुरांस का जूस है, कुछ अलग मत समझना आप लोग, तो बुरांस का जूस है, तो आप लोग भी आ जाओ जूस पीने। और बाकी आधा मैंने दिन में पिया था, आधा रख दिया था फ्रिज पे, तो अभी पी रही हूँ। और बाकी ना क्या ही बताऊँ मैं आपको, ब्लॉग भी नहीं बन रहे हैं, कम कम ही बन रहे हैं ब्लॉग भी, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप कमेंट करना कि मतलब मैं कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, तो जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे, मतलब वैसे ही ब्लॉग बनाएंगे उस हिसाब से। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, और फिर अकेली भी हूँ घर में, तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ऐसे एक मतलब एक टॉपिक मिल जाएगा तो मुझे भी ब्लॉग बनाने के लिए होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खाना पीना हमारा बन गया और बाकी अब थोड़ी देर में खाएंगे, अभी टाइम है। और अभी के रोने की आवाज़ आ रही है, तो फिर से रो रहा है। और दोस्तों बाकी थोड़ी देर जूस पी दें और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो चलो मैं आज आपको अपने सबसे ऊपर वाले छत में लेके चलती हूँ और वहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है यहाँ से। तो चलो तो दोस्तों ये जो ठीक सामने पे गांव दिख रहा है, तो ये ग्वाड़ गांव है, और इधर के साइड देवलदार है, वो सांप नहीं दिख रहे हैं यहाँ से क्योंकि पेड़ लगे हैं आगे से।